डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए हम लोग साइंस में जो भी पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर को देखे थे। चलिए उसके बाद बाकी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन आंसर में हम लोग जो करना स्टार्ट करेंगे वो एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर को जो हम लोग किए थे, चलिए उसके बाद के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो उसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन, अब उत्सर्जन का मतलब क्या दोस्तों? बहुत सारा ऐसा मटेरियल है, ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए अति आवश्यक होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक उत्पन्न करेगा। इसलिए हमारे शरीर के अंदर अवांछनीय पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक है, जो शरीर के लिए हानिकारक है, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वह उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, वह उत्सर्जन कहलाता है। अब उत्सर्जन के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़े हुए थे, लेकिन अब हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि आखिर मानव में उत्सर्जन कैसे होता है या मानव में उत्सर्जन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं मानव में उत्सर्जन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं एक स्कीमेटिक डायग्राम जो उत्सर्जन का फिगर है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसको, आप अच्छे तरीके से उत्सर्जन का पहले फिगर बना लीजिएगा। हम आपको बस समझाने के लिए ऐसे ही फिगर बनाए हुए हैं, आप बुक से उत्सर्जन का फिगर बना लीजिएगा। मानव के उत्सर्जन में आपको पता होना चाहिए एक जोड़ा ब्रिक होते हैं, एक जोड़ा का मतलब होता है दो पीस। ठीक है, एक जोड़ा का मतलब दो पीस होता है। और उसी तरीके से हमारे बॉडी में दो ब्रिक होते हैं, ब्रिक का मतलब होता है किडनी, इसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं और हिंदी में ब्रिक बोला जाता है। तो हमारे शरीर में कितनी किडनियां हैं? दो किडनियां हैं, और यही किडनी काम करता है हमारे शरीर से अवांछनीय पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में, जैसे कि मूत्र को बाहर निकालने में ब्रिक का बहुत बढ़िया रोल है। ठीक है, ब्रिक ही किडनी ही काम करता है मूत्र को बाहर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में एक जोड़ा ब्रिक होता है, दोनों अलग अलग साइड में होते हैं, जिसको बोलते हैं बायां ब्रिक और दायां ब्रिक। ठीक है, दो ब्रिक होते हैं, एक मूत्रवाहिनी होते हैं, मूत्रवाहिनी का मतलब जो ब्रिक से एक नली जुड़ा हुआ होता है जो मूत्राशय तक आता है, मूत्राशय का मतलब टंकी, मूत्र का टंकी जहाँ पे मूत्र जो है एकत्रित होता है। ये ब्रिक काम क्या किया? ब्रिक काम किया अवांछनीय पदार्थ को सोखने का, जो हानिकारक पदार्थ है हमारे शरीर में उसको हम सोख लिया, कौन? ब्रिक, किडनी। किडनी का काम है मूत्र को सोखना, सोख लिया, और एक नली, जिस नली के माध्यम से टंकी तक जाता है वो मूत्रवाहिनी कहलाता है, और उस टंकी में मूत्राशय होता है, जो टंकी जहाँ पे दोनों का एक ही काम है, बायां ब्रिक और दायां ब्रिक दोनों का एक ही काम है, मूत्र को अवशोषित करना या खराब पदार्थ जो हम खाते पीते हैं उससे, खराब मटेरियल जो है उससे अवशोषित करके मूत्रवाहिनी के थ्रू कहाँ भेजना? मूत्राशय तक भेजना। ठीक है, मूत्राशय का मतलब हुआ पेशाब का टंकी, और फिर जिस मार्ग से वो मूत्र को हम लोग टंकी से बाहर करते हैं वो कहलाता है मूत्र मार्ग। तो ये हम लोगों का मेन फंक्शन हुआ उत्सर्जन में। तो आप इस फिगर का, उत्सर्जन वाले फिगर का अच्छा तरीके से ड्रॉ कीजिएगा, आपके बुक में भी दिया हुआ है इस तरीके का फिगर। ठीक है, इससे और बढ़िया दिया है, हम आपको समझाने के लिए बस जो इम्पोर्टेंट था उसको बनाए हैं। क्लियर? तो ये मानव में जो उत्सर्जन है इसको आप फिगर अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, और बाद बाकी जो भी पॉइंट्स है चलिए हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं। तो इसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, सबसे पहले ऐसा होगा तो आप इस टॉपिक्स में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में उत्सर्जन, पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, फिगर ड्रॉ करने के बाद ही नीचे से एरो दीजिएगा। ठीक है,
जो भी फिगर हम आपको दिखाएं बुक से बिल्कुल फ्रेश डायग्राम उधार लीजिएगा पेंसिल से, और उस फिगर को बनाने के बाद उसके नीचे लिखेंगे मानव के उत्सर्जन तंत्र में, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क व्री आधा क पूरा क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, एक जोड़ा वृक्क कॉमा एक मूत्रवाहिनी। आप डायग्राम बनाइएगा, उसमें सभी क्लियर चीज दिख जाएंगे कि मूत्रवाहिनी कौन है, ब्रिक कौन है। हम आपको ऐसे भी जो बनाए थे फिगर उसमें आपको दिखा चुके हैं, एक मूत्रवाहिनी कॉमा एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। जी हाँ, फर्स्ट एरो में हम लोग क्या लिखें कि जो भी हम लोगों का उत्सर्जन तंत्र है उस उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा ब्रिक होता है। याद रखिएगा, एक जोड़ा का मतलब कई गो ब्रिक होता है, दो ठो ब्रिक होता है, एक गो मूत्रवाहिनी होता है, एक गो मूत्राशय होता है। मूत्रवाहिनी का मतलब किडनी से जुड़ा हुआ नली, आप डायग्राम बनाएंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि मूत्रवाहिनी क्या है। मूत्राशय का मतलब है वो मूत्र जो है एकत्रित होता है उस टंकी में, ठीक है। और मूत्र मार्ग का मतलब उस टंकी से जब हम लोग बाहर करते हैं उस मूत्र को, तब ये मूत्र मार्ग कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक जो होता है हमारे शरीर में कहाँ होता है। तो ये ब्रिक आपको हम एहसास दिलाते हैं, आपका जो कमर है, कमर समझ रहे हैं ना, शरीर के पीछे वाला भाग, जो कमर होता है ना उसके रीढ़ के हड्डी के बीच दो गाढ़ा देखिएगा होता है, रीढ़ के हड्डी के बीच कमर के दोनों ओर दो गड्ढा टाइप का होता है, वही में ब्रिक होता है, जिसको बायां ब्रिक बोलते हैं, दायां ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। आप देखिएगा, एज्यूम कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका रीढ़ का हड्डी है बीचों बीच, वो कमर के दोनों ओर दो गड्ढा दिखाई देता है, वही दोनों गड्ढे में ब्रिक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो लिखा जाए उसके नीचे एरो, ब्रिक उदर का मतलब होता है पेट, ठीक है। ब्रिक उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। पता है ना कि ब्रिक कहाँ है, उदर, उदर का मतलब पेट, पेट के नीचे वाला भाग, यानी कि जहाँ पे कमर बोलते हैं। पीछे से देखिएगा किसी को भी कि जहाँ पे कमर होता है वहाँ पे दो गड्ढा दिखाई देता है, वही ब्रिक का, उसी में ब्रिक उपस्थित रहता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक में ही मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा किडनी में, यानी कि ब्रिक में। तो उसके नीचे एरो लिखा जाए, ब्रिक में मूत्र बनता है। फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए ब्रिक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में आ जाता है। अभी आपको दिखा है ना कि जो किडनी होता है, किडनी में मूत्र बनता है, यानी कि ब्रिक में मूत्र बनता है, और जिस रास्ते से वो कहाँ आता है, मूत्राशय में, यानी कि मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में आता है, और मूत्राशय में मूत्र तब तक एकत्रित रहता है जब तक कि वो मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकल जाता है। अगर वो बाहर निकल गया तब तो उसको उस वो मूत्राशय नहीं हुआ, जब तक वो अंदर रहा यानी मूत्रा मार्ग से बाहर नहीं निकलता है वो तब तक कहाँ रहता है, अंदर रहता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो
यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं, लिखा जाए नेक्स्ट एरो, मूत्राशय में मूत्र तब तक एकत्रित रहता है, मूत्राशय में मूत्र तब तक एकत्रित रहता है जब तक कि मूत्र मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता है, जब तक कि मूत्र मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता है। जी हाँ, अभी हम आपको बताएं कि मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकलता है मूत्र, तब तक हम उसको बोलेंगे कि मूत्राशय में होता है। मूत्राशय का मतलब मूत्र का टंकी, उस टंकी में मूत्र तब तक रहेगा जब तक कि मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता है। चलिए अब एक चीज मेन सीखते हैं कि आखिर मूत्र बनना क्यों जरूरी है हमारे शरीर में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड में, रुधिर में, खून में भी बहुत तरह का अशुद्धियां होती है। तो उस अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए तो ब्लड जो है, सिराएं और धमनी के बारे में पढ़े हैं ना, तो सिराएं का काम क्या है कि अशुद्ध रक्त को पुनः वापस हृदय में लाता है शुद्ध करने के लिए। उसी तरीके से रुधिर में जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, कई तरह की अशुद्धियां होती है रक्त में, तो उस अशुद्धि से भी कुछ वज्र पदार्थ हैं, वज्र का मतलब होता है खराब पदार्थ, ठीक है। तो जो खराब पदार्थ हैं उसको छान कर फिल्ट्रेशन, जैसे वाटर को कैसे फिल्टर किया जाता है, ठीक है, तो उस वाटर को फिल्टर किया जाता है, वैसे ही वो वज्र पदार्थ को छान कर रुधिर से अलग करता है। यानी कि जो मूत्र बनता है हम लोगों को, ये कहाँ से बनता है, तो खून से खराब पदार्थ को छाना जाता है, जो वाटर के फॉर्म में हम लोगों को मूत्र दिखता है। एक्चुअली वो एक यूरिया है, याद रखिएगा वह क्या है, यूरिया है। आपको पता होना चाहिए मूत्र में जो है यूरिया पाया जाता है, इसलिए आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि अगर किसी हरे पौधे के, एक ही हरा घास है चाहे पौधा है, अगर उसी स्थान पे बार बार मूत्र विसर्जन किया जाए, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे जल जल जाएगा, वह घास जो है हरा घास जल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मूत्र में यूरिया पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए लिखा जाए नेक्स्ट एरो देकर, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में वज्र का मतलब क्या होता है, खराब पदार्थ, वज्र पदार्थ को छानकर बाहर करना है, वज्र पदार्थ को छानकर बाहर करना है। फिर नेक्स्ट अरु दिया जाए, लिखेंगे वज्र पदार्थ के रूप में यूरिया यूरिया रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। देख लीजिए क्या लिखे हैं इस पर, वज्र पदार्थ के रूप में यूरिया रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड से यूरिया जो है, यूरिया को छानकर किडनी यानी कि ब्रिक जो है अलग कर देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारे मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यूरिक अम्ल या फिर यूरिया पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे नेक्स्ट एरो, ब्रिक में फुफ्फुस की तरह बहुत पतली भीती वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है, रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। याद रखिएगा ब्रिक में जो फुफ्फुस होते हैं, सॉरी ब्रिक में फुफ्फुस नहीं होते हैं, जैसे कि आपको फुफ्फुस के बारे में पढ़े ना, जब हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कुपिका देखे हैं, फुफ्फुस देखे हैं, है ना। तो जिस तरह से फुफ्फुस में बहुत पतली पतली भित्ति वाली गुच्छाएँ पाई जाती है, ठीक
ठीक उसी तरीके से वृक में भी बहुत पतला 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 रुधिर कोशिकाएं होती है, एकदम से पतला पतला, ताकि उसको फिल्ट्रेशन कर सके, किसको, ब्लड को छान सके, ब्लड को छान कर अलग कर सके और उससे जो खराब पदार्थ है उसको अलग कर सके। ठीक है, ठीक उसी तरीके से होता है जिस तरीके से श्वसन की क्रिया में फुफ्फुस में होते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो दिया जाए, लिखेंगे प्रत्येक ब्रिक में अनेक अनेक निस्यंदन एकक होते हैं, अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि हर एक ब्रिक में जो होते हैं अनेक प्रकार के निस्यंदन होते हैं। निस्यंदन का मतलब जब जो चाय छानने वाला, चाय छाननी जिसको बोलते हैं ना, उससे भी पतला पतला कई लेयर में होता है जिसको निस्यंदन बोलते हैं। तो ऐसा निस्यंदन बहुत सारा होता है, तभी तो वो फिल्टर करता है, यानी कि खून से जो खराब पदार्थ है, वज्र पदार्थ है, उसको अलग करता है। क्यों? क्योंकि उसमें निस्यंदन, बहुत तरह का निस्यंदन होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपको एक और चीज जानना चाहिए कि इसी नेफ्रॉन का दूसरा नाम ब्रिकानु भी है। तो लिखा जाए नेफ्रॉन का दूसरा नाम ब्रिकानु है। याद रखिएगा बिल्कुल कि नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है, ब्रिकानु। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम करना है, बिल्कुल क्लियर डायग्राम बना लेना है और उसके नीचे जितना भी पॉइंट्स लिखवाए हैं आप उस पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिए। हालांकि कुछ और पॉइंट्स दोस्तों बच गया है इस उत्सर्जन में, तो उसको हम लोग करेंगे अगले दिन। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।